नमस्ते सदावसली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों क्या है दिन भर के स्पेस और डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक गिरीश देवघर ने कहा कि पहले AMCA के लिए आवश्यक कुछ हिस्सों का यानी कि कुछ कंपोनेंट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है और AMCA के प्रोटोटाइप का रोल आउट 2024 तक होगा और पहली उड़ान इस विमान की 2025 में पूरी की जाएगी। चूंकि यह स्टेल्थ विमान की प्रमुख विशेषता होगी, इसीलिए इसे वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कई विमानों से मिलान करने या फिर सुपरसेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही विमान की उपलब्धता और स्टेल्थ एस्पेक्ट को ऑप्टिमल बैलेंस प्रदान भी करना है। देवघर जी ने बताया कि ADA को पता है कि पांचवी पीढ़ी के विमान के लिए कई व्यापक एक्सटेंसिव रिपेयर वर्क के कारण बड़े पैमाने पर डाउन टाइम है, जो कि विमान के स्टेल्थ विशेषताओं को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। AMCA व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ भी आएगा, जो डाउन टाइम को कम करने में मदद करेगा और इसकी हायर ऑपरेशन अवेलेबिलिटी रेट होगी, जिसके लिए ADA ने विशेष अध्ययन किया है। ADA ने रडार के प्रतिबिंब को कम करने के लिए यानी कि रडार के रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए ग्लास कॉकपिट के सेक्शन के लिए एक विशेष कोटिंग विकसित की है और इस बात की भी पुष्टि की है कि पुणे में R&D इंजीनियरिंग में जमीन पर आंतरिक हथियार भी यानी कि इंटरनल वेपन भी डिजाइन का एहसास किया गया है और अधिकांश टेक्नोलॉजी विकसित की गई है और केवल कुछ टेक्नोलॉजी है जिन्हें अभी विकसित किया जाना बाकी है और जल्दी ये भी पूरा हो जाएगा। देवघर जी ने बताया कि 2034 से 35 में उत्पादन दर्ज करने वाला AMCA MK2 एक वैकल्पिक रूप से मानव युक्त मंच होगा, जो कि दुनिया को छठवीं पीढ़ी के विमान की उम्मीद है, लेकिन 5.5वें AMCA MK2 में उपलब्ध इसे कराया जाएगा ताकि दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर खतरनाक मिशन में विमान को कॉकपिट में एक पायलट के होने की आवश्यकता नहीं होगी। AMCA MK2 ऑटोनॉमस रूप से पायलट और विदाउट पायलट लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन एक लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता एक भारी पायलट पर छोड़ दी जाएगी, जो मैनुअल ओवरराइड फंक्शन के साथ सैटेलाइट लिंक के साथ जमीन से विमान की निगरानी करेगा। इंडियन एयरफोर्स ने GE F414IN इंजन द्वारा संचालित 40 AMCA MK1 को ऑर्डर करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जो 2030 से 31 में उत्पादन दर्ज करेगा और 100 MK2 2034 से 2035 के बीच उत्पादन दर्ज करेंगे। HAL और Safran ने MOU पर साइन किया है, जो कि हाई थ्रस्ट कावी टर्बोफैन को विकसित करेंगे। इसके लिए HAL और फ्रेंच एरो इंजन मेकर Safran ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किए हैं। HAL का एरो इंजन रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी कि ERDC STFE-25 इंजन को विकसित कर रहा है, जो मीडियम थ्रस्ट क्लास एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए 25 किलो न्यूटन का टर्बोफैन इंजन है। Safran DRDO के साथ 82 किलो न्यूटन कावेरी टर्बोफैन इंजन में भाग लेने के लिए बातचीत कर रहा था। आपको बता दें कि इस MOU का जो खास उद्देश्य है उसमें है इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग और MRO है M88 इंजन का, जिसका इस्तेमाल राफेल में होता है, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन है इस हाई थ्रस्ट एरो इंजन को बनाने के लिए, सहयोग से संबंधित हाई थ्रस्ट एरो इंजनों का विकास और उत्पादन भी शामिल है। Safran पहले ही HAL के हेलीकॉप्टर इंजन के साथ शामिल हो चुका है और HAL के हेलीकॉप्टरों जैसे चेता, चीतल, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, HAL और Safran हेलीकॉप्टर इंजनों ने उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए शक्ति इंजन का सफलतापूर्वक को डेवलपमेंट किया है। HAL ने भारत में बैंगलोर में HAL इंजन डिवीजन में 450 से अधिक शक्ति इंजनों का निर्माण किया, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी न्यूज सामने आई है जिसमें कि HAL और Safran ने जो MOU पर साइन किए हैं वो खास करके इंजन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मैंने बताया कि खास करके ट्रांसफर ऑफ की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है, कि भारत और फ्रांस मिलकर फाइटर जेट के इंजन को विकसित करेंगे। अगली खबर AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर आ रही है। अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है AK-203 राइफल्स के निर्माण का सौदा। स्टेट आर्म्स इंडिया के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन प्राइवेट राइफल्स लिमिटेड के द्वारा क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी का अनुबंध भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन प्राइवेट राइफल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जिसे की हस्ताक्षर के लिए तैयार किया जा चुका है। रोजबोनोन एक्सपोर्ट ने कहा कि अनुबंध को तत्काल भविष्य में हस्ताक्षरित किया जा सकता है, हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में ऐसा ही होगा। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 3 और फाइटर जेट्स को शामिल किया जाएगा। साल 2026 तक वायुसेना को 2 और नौसेना को 1 फाइटर जेट मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ADA के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी एरो इंडिया 2021 के दौरान दी गई है।
एडीए ने 73 एलसीए तेजस MK-1A और 10 MK-1 वर्जन की अब तक की सबसे बड़ी डील साइन की है। अधिकारियों के माने तो कोर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार है और इसे मुख्य टेक्नोलॉजी के तौर पर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 नए फाइटर जेट्स साल 2026 तक उड़ान भरेंगे। बताया जा रहा है कि पहला जेट साल 2023 के अंत में आ जाएगा, जो कि नया एलसीए तेजस होगा। 123 MK-1 और MK-1A एयरक्राफ्ट को वायुसेना MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही है। ये नहीं, अधिकारी इसे मिराज 2000 क्लास के एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट तक करार दे रहे हैं। रक्षा अधिकारी इस बात को लेकर काफी संतुष्ट हैं कि अब देश में वो टेक्नोलॉजी रेडी है जिसके बाद नए प्रोजेक्ट को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल 2023 में नए तेजस की पहली फ्लाइट और साल 2026 तक MK-2 वर्जन का उत्पादन करने की है। इसके बाद ADA AMCA जो कि पांचवी पीढ़ी का जेट होगा उस पर काम करेगी। तेजस को 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट करार दिया जा रहा है। AMCA की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक होगी। AMCA का डिजाइन फिलहाल पूरा हो चुका है। AMCA के अगर भारी हथियारों को हटा दिया जाए तो इसके अंदर फिट हथियार और इसमें बचा फ्यूल इसे किसी भी बड़े मिशन में सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम बनाएगा। AMCA MK-1 का इंजन आयात किया जाएगा तो वही AMCA MK-2 में देसी इंजन फिट किया जाएगा। तीसरा फाइटर जेट सबसे चुनौतीपूर्ण काम है जिसे रक्षा एजेंसियां पूरा करने में लगी हैं। ये एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होगा जो कि नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है और 2026 में ये उड़ान भरेगा। रक्षा मंत्रालय और डिफेंस पब्लिक सेक्टर BEL ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल यानी कि SDR टेक प्रोक्योरमेंट पर साइन किए हैं, जिसकी लागत करीबन 1000 करोड़ रुपए है। SDR टेक जॉइंटली डेवलप्ड होगा नेवी, BEL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और डील के द्वारा, जो सशस्त्र बलों के लिए एक रणनीतिक गहराई लाएगा। ये डिलीवरी 3 साल के भीतर होगी। BEL ने पहले से ही SDR नेवल कॉम्पैक्ट NC और SDR एयर जो बनाए हैं वो अभी अपने उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण के तहत हैं। DRDO और BEL प्लान कर रहे हैं लेटेस्ट SDR विद सिक्योरिटी गार्डनिंग के साथ आर्म फोर्स को दिए जाने के लिए। SDR टेक आखिर है क्या, ये बात भी जाननी जरूरी है। SDR टेक एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 रैक माउंटेबल शिप बॉर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है। ये जहाज से जहाज, जहाज से तट तक और हवा से आवाज और नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए डेटा संचार करता है। ये SDR प्रणाली नैरो बैंड और वाइड बैंड एप्लीकेशन के लिए कई प्रकार की तरंगों का निर्माण करती है। रूस की रोजबोरन एक्सपोर्ट भारतीय नौसेना के P-75I प्रोजेक्ट के टेंडर में भाग लेने के लिए तैयार है। इस बारे में एरो इंडिया 2021 के दौरान रूस ने ये बात बताई है। रोजबोरन एक्सपोर्ट इसके लिए बोली लगाने के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने अब तक अपने टेंडर की घोषणा नहीं की है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन यूनिट और स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम के साथ 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए P-75I कार्यक्रम 2007 में शुरू किया गया था। ये परियोजना लगभग $6.9 बिलियन की है। 2021 की शुरुआत में इसके टेंडर की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। शुरू में ये योजना बनाई गई थी कि भारतीय नौसेना पहली 75I पनडुब्बी की आपूर्ति 2030 तक होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डिलीवरी कोरोना वायरस की वजह से बाद में शुरू होगी। P-75I स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां 6 टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब, 18 भारी हथियारों, ट्यूब लॉन्च MBDA-SM-39, एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल और प्रिसिशन गाइडेड वेपन से लैस होगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही विभिन्न प्रकार की रूसी पनडुब्बियां हैं, जिसमें अकुला सेकंड INS चक्र परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी शामिल है। INS सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के साथ सक्रिय सेवा में किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75I क्लास पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास पनडुब्बियों का अनुसरण है। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना ने उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम वाली 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का इरादा किया है। कलवरी क्लास भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग है। अडानी एंटरप्राइज की रक्षा कंपनी अडानी लैंड डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी छोटे हथियार और गोला बारूद, एंटी ड्रोन सिस्टम और रखरखाव और विमान की मरम्मत और ओवरहॉल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। छोटे हथियारों की श्रृंखला में असॉल्ट राइफल जिसमें की टेवर फैमिली की लाइट मशीन गन है और असॉल्ट कार्बाइन जिसे कि एरो इंडिया शो में भी प्रदर्शित किया गया था। ये जॉइंट वेंचर है अडानी डिफेंस और इजरायली वेपन इंडस्ट्री का। रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अडानी समूह ने पिछले 1 साल में अधिग्रहण की एक श्रृंखला बनाई है जिसमें बैंगलोर स्थित अल्फा डिजाइन सिस्टम लिमिटेड शामिल है, जो वायुसेना के लिए कई प्रणालियों पर काम करता है। साथ ही इसके कई भागों को तेजस लड़ाकू विमान के कंपोनेंट्स की आपूर्ति करने के लिए भी आदेश मिले हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI के आदेश भी यानी कि ऑर्डर्स भी अल्फा डिजाइन सिस्टम लिमिटेड को मिले हैं। अडानी डिफेंस सिस्टम का फोकस रहेगा खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम पर, जो कि एक बढ़ती हुई मांग के रूप में उभरा है। यानी माइक्रो UAV और
सुसाइड ड्रोन के उभरते खतरों से सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए अडानी समूह एंटी ड्रोन सिस्टम की खास पेशकश भी करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा है। हाल ही में उसकी एक और हरकत सामने आई है, जिसमें कि पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दो जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे। इन ड्रोन्स को देखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने इस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने पहला ड्रोन गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर की बॉर्डर आउटपोस्ट पर देर रात देखा। इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखने के बाद जब जवानों ने इस पर फायरिंग की, वो ड्रोन वहां से बच निकला। वहीं बीएसएफ के जवानों ने दूसरा पाकिस्तानी ड्रोन गुरदासपुर के कस्बा डेरा बाबा नानक बॉर्डर आउटपोस्ट पर देखा। आपको बता दें कि एयरबस और इंडियन नेवी के बीच बातचीत का दौर जारी है। अब दोनों के बीच पैंथर हेलीकॉप्टर को लेकर वार्ता हो रही है। एयरबस ने भारतीय नौसेना को लीज पर पैंथर हेलीकॉप्टर देने का मन बना लिया है। कंपनी के अधिकारियों की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है। नौसेना को यह हेलीकॉप्टर वॉरशिप पर तैनात करने के लिए मिलेगा। नौसेना को इस समय हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है और फिलहाल उसके पास चेतक हेलीकॉप्टर है, जिनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। एयरबस की तरफ से ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब नौसेना के लिए $3 बिलियन वाले 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की योजना कई वजहों से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी है। एयरबस के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि नौसेना की ऑपरेशन जरूरतों को खास तौर पर हिंद महासागर में पूरा करने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस वक्त 20 देशों की नौसेनाओं के पास ये हेलीकॉप्टर है। US कोस्ट गार्ड के पास भी ऐसे करीब 100 हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर ज्यादा आवाज नहीं करते और इस वजह से इसे कई मिशन में तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि DFRL ने गगनयान मिशन के लिए लगभग 35 खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला को तैयार किया है। गगनयान मिशन में क्या खाया जाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसको चुना जाएगा और उसके लिए भोजन का विकल्प क्या होगा। इस लिस्ट में सब्जी पुलाव, चिकन बिरयानी, दाल मखनी, शाही पनीर और चिकन कोरमा शामिल किया गया है। DFRL के अधिकारी ने बताया कि हम अंतरिक्ष यात्रियों की स्वाद की आवश्यकताओं या फिर खाद्य वरीयताओं को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें अभी चुना जाना बाकी है। इसरो द्वारा खाद्य पदार्थों की सारणी का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के बाद इन खाद्य पदार्थों को संवेदी मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर भोजन को टिक किया जाएगा। DFRL के वैज्ञानिकों को विशेष रूप से पैक किए गए भोजन को बनाने के लिए करीबन 1 साल का वक्त लगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।